हेलो स्टूडेंट्स तो आज क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट वन टू फाइव को डिस्कस कर लेता हूं मैंने सोचा बढ़िया क्वेश्चन है और इजी भी है वन पॉइंट वन टू फाइव क्या है इसका सोल्यूशन जरा सोल्यूशन देखते हैं तो इसमें हम लोग मतलब पावर की बात करी गई है बॉडी ऑफ मास एम इज थ्रोन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल वेलॉसिटी वी नॉट ठीक है ना एंगल दे दिया है तो यह वेलॉसिटी का मैग्निट्यूड ही होगा फाइंड द मेन पावर डेवलप बाई ग्रेविटी ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी एंड द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रैविटी एज फंक्शन ऑफ टाइम ठीक है ना तो ये दो चीजें हैं अब इन दो चीजों में हम लोग देखने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा दोनों को कैलकुलेट करना काफी ईजी किसी भी टाइम टी पर अगर मैं बोलूँ मान लीजिए किसी टाइम टी की बात करते हैं ये टी बराबर जीरो पर फेंका गया है वी नॉट से फेंका गया है और अल्फा एंगल पर फेंका गया है बच्चों ठीक है तो इस समय अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये हाँ ये मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी है वेलास्टिया ग्रेविटेशनल फोर्स होगा डाउनवर्ड एम जी और हमें पता है इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाई फोर्सेज एफ डॉट वी फोर्स बच्चों किधर की ओर है डाउनवर्ड ठीक है वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग है तो फोर्स के अलोंग ना होकर के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है दैट मींस अगर मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करूं बच्चों एक वी वाई और एक वी एक्स तो कौन सा कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा पावर में बच्चों वी वाई तो माइनस भी आएगा क्यों आएगा माइनस क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस एम क्लियर है बच्चों अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूं वी वाई को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में अब मैं अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो इस वेलोसिटी का वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लिखा जा सकता है कितना है ये वी नॉट साइन अल्फा और ये क्या है बच्चों वी नॉट कॉस अल्फा ठीक है भाई यहां पर ये कॉम्पोनेंट कर दिया इनिशियल वेलोसिटी किसी मतलब क्वेश्चन अब ये बचा कि एक पार्टिकल को मैं वी नॉट साइन अल्फा से फेंक रहा हूं टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी वी वाई कितनी हो जाएगी तो मैं लिखूंगा वीवाई क्वस टू वी, वी नॉट साइन एल्फा वी क्वेश्चन बच्चों माइनस जी टी ये दीजिए वी वाई आ गया तो ये वी वाई की वैल्यू ऊपर वाली क्वेश्चन में रख देंगे तो पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी वी नॉट साइन एल्फा एल्फा ही दिया है शायद क्वेश्चन में एल्फा ही दिया है गुड माइनस जी तो लीजिए साहब एक खत्म दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर एट टी इक्वल टू टी लेट्स कैलकुलेट एवरेज पावर एवरेज पावर निकालने का तरीका है टोटल वर्क बाय ग्रेविटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये तो लिखा है इन्होंने फाइंड द मीन पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी तो डन बाय द ग्रेविटी टोटल एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अच्छा डन बाय द ग्रेविटी अगर बच्चों में निकालूंगा तो डन कितना हुआ जरा देखो यहाँ से पार्टिकल को फेंका और पार्टिकल फिर वहीं पे गिर गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना आया फोर्स कितना होगा जीरो होगा कि नहीं होगा तो ये आ गया जीरो टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ भी हो तो एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस जीरो होनी भी चाहिए क्योंकि आधे टाइम ऑफ फ्लाइट में जितनी इसने स्पीड कम की होगी बाकी के आधे टाइम ऑफ़ फ्लाइट में ये उतनी ही काइनेटिक एनर्जी वापस से दे देगा तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.125 का सोल्यूशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ टाटा एवरीवन <coughs> तो ये है रोडो का क्वेश्चन नंबर 1.126 तो सारे स्टूडेंट देखें इसका सलूशन क्या होना चाहिए क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर विद अ नॉर्मल एक्सेलरेशन वैरिंग विद टाइम टी ए स्क्वायर वेयर ए इज अ कांस्टेंट फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड द मीन वैल्यू ऑफ दिस पावर एवरेज ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन ठीक है चलिए तो देखते हैं जरा क्या होगा तो होगा ये कि सबसे पहली बात तो हमें नॉर्मल एक्सिलरेशन दिया गया है ए ई स्क्वायर सबसे पहली बात ध्यान रखने लायक दूसरी बात क्या है बच्चों पावर पावर डेवलप्ड बाय ऑल दी फोर्सेस किसी पार्टिकल पर अगर पावर पूछी जा रही है तो उसको हम एफ डॉट वी लिख सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि फोर्स का वो कॉम्पोनेंट मतलब जिसे हम टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स भी कह सकते हैं इंटू स्पीड फोर्स का वो कॉम्पोनेंट जो वेलासिटी के अलाग है इन टू वेलासिटी या फिर फोर्स का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट नॉ फोर्स का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट सर्कुलर मोशन में मास इंटू टेंजेंशियल एक्सिलेशन इंटू वी ये आ जाएगा ठीक है अब ये नॉर्मल एक्सीलेशन दिया है बच्चों तो हमारा फोकस रहेगा टेंजेंशियल एक्सीलेशन निकालने में वॉट इज टेंजेंशियल एक्सीलेशन टेंजेंशियल एक्सिलेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड सिंपली डी वाई डी वी बाई डी टी तो यहां से स्पीड निकालते हैं स्पीड कितनी आएगी ये नॉर्मल एक्सीन दिया गया वी स्क्वायर बाई आर दिया गया तो वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर ठीक है अच्छा यहां से वी की वैल्यू आती है आ, ए टी स्क्वायर हाँ जी तो वी की वैल्यू आती है रूट आर ए इंटू टी ये आ गया तो यहां से हमें एक चीज पता चल पा रही है और वो ये कि स्पीड जो है वो टाइम के साथ लिनियरली वेरी कर रही है तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलेशन मिल जाएगा डी वी बाई डी टी तो टेंजेंशियल एक्सेलेशन की वैल्यू है रूट आर इंटू ए टेंजेंशियल एक्सिलेशन की वैल्यू तो पावर इंस्टेंटेनियस हमें तुरंत आ गई है कितनी आ गई है एम इंटू रूट आर ए

तो एरिथमेटिक मीन से काम चल जाएगा पहला मेथड दूसरा मेथड सुनिए एवरेज पावर के लिए टोटल वर्क अपॉन टाइम होता है टोटल वर्क इज चेंज इन कैनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर सीधा सीधा वी स्क्वायर कर दीजिए आर ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम ये खत्म हो गया और देखिए आंसर आ गया तो मीन पावर इज एम आर ए टी बाई टू ये हो गया क्वेश्चन खत्म तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट वन टू सिक्स का सोल्यूशन कोई स्पेशल डिमांड हो तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ये सल्यूशन की सीक्वेंस इसी तरीके से चलती रहेगी अगले क्वेश्चन के वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाय